अरुण जेटली जी ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिलने के लिए कहा कि वो तुम मुझसे आज जरूरी आके मिलो, और मैं दिल्ली में ही था। बाई चांस मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो अरुण जेटली जी इतने व्यस्त होते थे कि एक कोर्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उनके 10-12 मुकदमे तो कम से कम 2-4 घंटे में वो करते थे। जैसे ही वो फ्री हुए, मेरा हाथ पकड़ा कि यार अब क्या होगा आगे, कौन लड़े, कौन बाई इलेक्शन लड़ेगा, कौन जीत पाएगा। बहुत मुझे टटोलते रहे। मैंने कहा साहब मुझे नहीं पता कौन। मैं कहता तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ये चुनाव निकाल सकते हो। जो अत्याचार तुम्हारे खिलाफ कांग्रेस ने किया है, तुमने देश के लिए स्टेडियम बना के दिया, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया, तुम्हारी युवाओं में बहुत पकड़ है। मैंने उनका हाथ ऐसे छोड़ दिया जैसे मेरा हाथ पकड़ा था। जब आपने ऑफिशियली पॉलिटिक्स में एंटर किया, जब आप पहली बार सांसद बने, आपको पता चला कि आपको टिकट मिल रहा है यहाँ से, आपको पता कैसे चला? पहले तो ये बताइए, न्यूज़ कहाँ से पता चली? देखिए हुआ क्या, हिमाचल में, देश में एक्चुअली एक घटना घटी जिसमें कुछ सांसदों के खिलाफ आरोप लगे। उनमें से एक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पे भी लगा, और स्थिति आई कि उस समय कि अब क्या होगा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो मुझे अरुण जेटली जी ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिलने के लिए कहा कि तुम मुझसे आज जरूरी आके मिलो, और मैं दिल्ली में ही था। बाई चांस मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो अरुण जेटली जी इतने व्यस्त होते थे कि एक कोर्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उनके 10-12 मुकदमे तो कम से कम 2-4 घंटे में वो करते थे। और जब वो कर रहे थे सब, तो जैसे ही वो फ्री हुए, मेरा हाथ पकड़ा कि यार अब क्या होगा आगे, कौन लड़े, कौन बाई इलेक्शन लड़ेगा, कौन जीत पाएगा। तो मैंने अरुण जी से कहा, अरुण जी आपको तय करना है, पार्टी को तय करना, मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग विपक्ष में हैं, कांग्रेस की सरकार है, और शायद 2006 की बात है, 5 या 6 की बात है, जब उन्होंने कहा कि नहीं ये 6 महीने में चुनाव आ जाएगा, क्या करेंगे। मैंने कहा साहब मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा देखो कांग्रेस की सरकार है, वीरभद्र जी पूरा जोर लगाएंगे, और हमारे यहाँ से चुनाव कौन जीत सकता है। बहुत मुझे टटोलते रहे। मैंने कहा साहब मुझे नहीं पता कौन। मैं कहता तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ये चुनाव निकाल सकते हो। जो अत्याचार तुम्हारे खिलाफ कांग्रेस ने किया है, तुमने देश के लिए स्टेडियम बना के दिया, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया, तुम्हारी युवाओं में बहुत पकड़ है। मैंने उनका हाथ ऐसे छोड़ दिया जैसे मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने कहा अरुण जी मेरी कोई रुचि नहीं है, और मैं 3 महीने अरुण जेटली जी से मिला ही नहीं। और अरुण जी ने मुझे पूछा भी तुम आते नहीं। मैं कहा साहब मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तो उन्होंने कहीं मेरे पिताजी से बात कर ली, धूमल जी से। धूमल जी ने साफ मना किया कि भाई देखिए मैं राजनीति में हूँ, हमारे परिवार से कोई और नहीं आएगा। तो अरुण जी ने कहा नहीं आप नहीं ला रहे, हमारी पार्टी की जरूरत है, हमें इसकी आवश्यकता है। तो ऐसे करते करते बात बनी, लेकिन उसके बाद वो विलम्ब हो गया 1-1.5 साल, मुझे लगता है चुनाव लेट हुआ, तो उसके चलते फिर थोड़ा लेट नंबर आया। आपके मन में क्या चल रहा था उस टाइम पे, जब आपको ऑफिशियली दे दिया कि नहीं आपको ही लड़ना है और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया? देखिए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ व्यक्ति नहीं जीतता, यहाँ राजनीतिक दल जीतता है। मैंने हर बार कहा कि मुझे 4 के 4 चुनाव हिमाचल की जनता ने जिताए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत ने जिताए। और वो रणनीति तय करते हैं, चुनाव को खुद घर घर जाके लड़ते हैं, और यही मेरी ताकत है कि जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊंगा। और उस समय विपक्ष में थे, पार्टी ताज़ा ताज़ा चुनाव हारी थी, 1 साल हुआ था 2009 में, कांग्रेस दूसरी बार सत्ता में आई थी। लेकिन मैंने चुनौती ली, संघर्ष किया, आंदोलन किए, एक के बाद दूसरा किया, कई मुकदमे उसके झेले, बहुत सारी लाठियाँ खाई, पानी की बौछारें खाई, कलकत्ता से कश्मीर तक की तिरंगा यात्रा की, फौजियों पर पथराव रुकवाने के लिए की, कश्मीर की स्वायत्तता और देने की बात करते थे हमने उसको रुकवाया, अफस्पा कानून को बदलना चाहते थे उसको रुकवाया, और धारा 370 हटाने के लिए हमने संघर्ष किया। और मुझे कहा गया तुम्हारे ऊपर गोली चल जाएगी, तुम्हें मार देंगे, मत आओ। मैं फिर भी गया, लाखों युवा मेरे साथ गए, और मुझे तिरंगा झंडा कश्मीर में फहराने के अपराध में जेल में डाल दिया गया। ये अपराध माना गया कि मैं यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराने आया। और आज मेरे से ज़्यादा खुश कौन होगा कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को मोदी सरकार ने हटाया, आज लाल चौक पे 24 घंटे तिरंगा झंडा लहराता है, कश्मीर की गली गली में, हर स्कूल, हर सरकारी बिल्डिंग और हर घर पे भी तिरंगा झंडा लहराता है। द
हिमाचली पॉडकास्ट।